अभी आप देख सकते हो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, 9:05 हो रहे हैं, लेकिन हमारे सारे लेवल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अभी मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होगा दिन मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। और अभी हमारे हमने कोई ट्रेड नहीं ले रखा है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, आज है निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। तो निफ्टी में मेरा जो व्यू है वो है पुट बेचने का। तो यहाँ से मैं सिंपली ऑप्शन चेन लगा लेता हूँ, यहाँ से बास्केट मोड ऑन, ठीक है। और इधर को पुट है तो मैं ATM का ही बेचूंगा, ज़्यादा इन द मनी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको बाय कर लूँगा, ठीक है। बहुत ही डिसेंट सा मैं काम करूँगा, ये देखो इसको मैं ट्रेड लूँगा कब, जब मार्केट मुझे कोई कंफर्मेशन देगा। अभी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, जैसे ही मुझे मिलता है दिन मैं एंट्री करके आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो हो गया कंफर्म ऑर्डर, दोनों ऑर्डर लग गए। आप यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो, देख सकते हो 70-80 रुपये का चूना मुझे दिख रहा है, कोई बात नहीं। ऑर्डर हिस्ट्री देख लो, पोजीशन देख लो, मार्जिन भी दिखा दूँ ताकि आप लोग को मार्जिन से भी समस्या ना रहे। केवल केवल 53,000 रुपये लगे हुए हैं, 2 लट मैंने ऑप्शन सेलिंग कर लिया हेजिंग की मदद से, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपको कि मार्जिन कम देगा तो भी आप लोग काम कर लोगे। ये देखो यहाँ से मेरा ये हमने एंट्री करी हुई है, मार्केट ऊपर जाएगा तो इसलिए मैंने इधर के आसपास जाएगा, टाइट वर्क करोगे तो अगर इधर के आसपास का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात उसकी ये है कि आपको केवल केवल आज के दिन पर 25 रुपीज़ ही मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 25 पर सेल किया हुआ है। 19,650 के ऊपर मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो जाए, क्योंकि आज देखो एक्सपायरी है। तो यहाँ से मैं अगर आपको बताऊँ सिंपल शब्दों में, 19,650 कहाँ है, 19,650 ये इस रेड लाइन के ऊपर कहीं पर भी मार्केट ऊपर, इसको ग्रीन कर देता हूँ, इस ग्रीन लाइन के ऊपर कहीं पर भी मार्केट एक्सपायर होगा ना, तो वो अपने को प्रॉफिट होगा, पूरा का पूरा 25 रुपये का प्रॉफिट होगा। 25 इंटू जितना मैं क्वांटिटी करके रखा हूँ उसको कर लो, ठीक है। और अगर बात करोगे स्टॉप लॉस की, ये देखो ये है हमारा ब्रेक इवन, मतलब अगर इस रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट कहीं एक्सपायर होगा तो मुझे नुकसान होगा, अगर इस रेड लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक्सपायर होता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट होगा। और अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर मार्केट एक्सपायर हो जाता है तब तो भाई साहब मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स प्रॉफिट कितना? जितना हमने बेच रखा है प्रीमियम, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। तो अभी एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, तो अभी इतना ही चल रहा है, तो अभी वेट कर दें क्योंकि विदाउट वेट कुछ हो नहीं सकता। देखते हैं मार्केट में क्या होता है आज। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी मुझे प्रॉफिट चल रहा है 20-30 रुपये का, ठीक है। और ये प्रॉफिट लगभग 200 के आसपास का भी किया हुआ था, बट ये क्या है, अभी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप कहने के ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हो जाऊँगा, अभी यहाँ पर लगा लूँगा, फिर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप और ज़्यादा ऊपर लगा लूँगा, ताकि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाए ना तो मुझे कोई लॉसेस का मुँह ना देखना पड़े, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में कोई भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है कि मार्केट आप ऊपर भेज दो या मार्केट को नीचे भेज दो, ये सब आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपके पास एक राइट नॉलेज, राइट स्किल, राइट जगह पर एंट्री करना, ये सारा तरीका, ये सब एनालिसिस है, ठीक है। एक बार एनालिसिस अगर आपका सही हो रहा है तो आप उसको फॉलो करिए जो मार्केट में प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। देन मार्केट में एक चीज़ आपके हाथ में पूरा कंट्रोल रहेगा, वो कंट्रोल रहेगा कि मार्केट में जब भी देने की बारी आई ना मार्केट को, तो आप मार्केट में कम से कम छोटा से छोटा दीजिए, ये चीज़ आपके हाथ में, क्योंकि लॉसेस मार्केट आपसे तुरंत नहीं लेकर जाएगा। मेरी बातों को आप लोग देर से समझते हो लेकिन समझो, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो देख सकते हो अभी क्या चल रहा है, अभी यही चल रहा है 40-50-60, ठीक है। आज एक्सपायरी है, टाइम स्पेंड भी करेगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, देखो क्या होता है आगे। देखो कुछ ही मिनट बाद मुझे भाई साहब 1,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ समझो, मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा भाई, तुरंत ही सडनली बात करने का मौका भी नहीं दिया, मार्केट ने तुरंत प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो कि मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ऊपर कर लेता हूँ इधर के आसपास, ताकि मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट भी जाना तो मुझे कोई भी नुकसान का मुँह ना देखना पड़े, मैं प्रॉफिट में निकलूँ, ठीक है। अभी भैया देख सकते हो आप 1,000, 1,200, 1,300 ऐसे प्रॉफिट चल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने क्विकली मेरा को प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखो बॉटम एंट्री करके रखी हुई थी और बहुत सटी जगह पर एंट्री करके रखी हुई थी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। देखो लेकिन अभी भी क्या है कि अभी भी आप इसमें 1,400 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ है, मतलब अभी भी मेरे को 1,400 का और प्रॉफिट हो सकता है, और मार्केट हमारे ग्रीन एरिया मतलब प्रॉफिट के ऊपर ही चल रहा है, मतलब इस ग्रीन लाइन के ऊपर कहीं पर भी ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड भी करेगा ना तो मुझे अच्छा खासा कहीं पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे कैपिटल का 2% तो तुरंत प्रॉफिट दे दिया मार्केट ने। अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ से डाउन का मूवमेंट देने लगेगा ना तो मैं पोजीशन को बीच में काट करके निकलने का ट्राई करूँगा, बाकी का अभी वेट करना बनता है, देखते हैं क्या होता है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है, और अगर टाइम स्पेंड भी करेगा ऊपर की तरफ इधर के आसपास भी, तो वो भी मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन लाइन के ऊपर मेरे को पूरा का पूरा फिक्स है कि मेरे को
प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और हमने देखो यहाँ पर क्यों एंट्री करी, यहाँ पर समझो चीज़ों को, मैं आपको बार बार समझाने का ट्राई करता हूँ कि यार देखो मार्केट में ना जब तक लोग एक तरफ से फंसते नहीं दूसरी तरफ का बड़ा मूवमेंट नहीं आता है। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो कि देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर गया। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने इसको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बड़े रेड कैंडल से ब्रेक किया, पहले तो ये समझो। और रेड कैंडल ब्रेक करने में बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल 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 की पोजीशन बनाए होंगे, और लेकिन मार्केट में को वहीं पर हमने बाई किया और मार्केट तुरंत ही तुरंत पूरा का पूरा पलट गया, ठीक है। और प्रॉफिट आपको 1200-1300 रुपये का चल रहा है, ठीक है। यही चीज़ें मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को। अब देखो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप इस कैंडल के नीचे है, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप से अगर मार्केट इसके नीचे आएगा तो मैं अपनी पोजीशन काट लूँगा। इसके नीचे आएगा तो क्या होगा, बहुत होगा तो मेरा जो 1200-1300 का प्रॉफिट दिख रहा है वो हो सकता है मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करना पड़े, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर चल रहा है तब तक हम होल्ड करेंगे, क्योंकि कल तो मुझे कुछ हाथ लगा नहीं था, लेकिन आज देखो मार्केट ने जैकपॉट एक तरह से बोल सकते हो, मार्केट में क्विकली मुझे प्रॉफिट मिल गया। मेरा टारगेट था डे हाई, अब यहाँ पर है। अब मार्केट ऊपर से कहाँ गिर सकता है, देखो डाउन साइड रिवर्सल लेवल एरिया से मार्केट में डाउन का मूवमेंट आना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसी का मौका देख करके बीच में इसको पोजीशन को स्क्वायर भी कर लूँगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप को इधर के आसपास में कर लेता हूँ कहीं। अगर इसके नीचे मार्केट आएगा ना तो मैं पोजीशन को काट करके निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में मुझे ऑलरेडी एक डिसेंट सा प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन का भी मूवमेंट दे दे, बट थोड़ा देर अभी वेट करेंगे। वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो आज है एक्सपायरी है ना, और अभी भी मेरे पास 1300-1400 रुपये का प्रीमियम बचा हुआ है, तो अभी भी मुझे 50% प्रॉफिट मेरा बचा हुआ है। मतलब मार्केट अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड भी करेगा तो ये 1200 का प्रॉफिट है, तुरंत ही 2000 हो जाएगा। 2000 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आज के दिन पर ही है इसकी एक्सपायरी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जितने लोगों ने MTP 2.0 और करेक्ट द मार्केट मेरा कोर्स किया है वो उनको पता है कि यहाँ पर हमने क्यों बाई किया। हमारा यहाँ पर हमारी साफ साफ बाइंग की एंट्री बन रही थी, इसके वजह से हमने बाई किया। इसलिए मैं बोलता हूँ यार कि पहले सही चीज़ों को समझने का ट्राई करो। मार्केट में जो दिखता है वो नहीं होता, लोग सोचते हैं कि प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऐसे ऐसी को तो बोलते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें बिग प्लेयर की साइकोलॉजी को इंक्लूड नहीं करोगे, बड़े प्लेयर देखो, बड़े प्लेयर अगर चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए तो आप लोग भी ऊपर की तरफ का दाव लगाओगे तो मार्केट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन बड़े प्रॉफिट चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मार्केट ऊपर जाए और आप सेल करोगे तो वहाँ पर आपका एसएल जाएगा और बड़े प्लेयर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर हमेशा सही होते हैं, ठीक है। समझ जाओ, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखते हैं अभी, देखो अभी क्या चल रहा है। अभी देखो मार्केट एक तरफा मूवमेंट आ रहा है, 1400-1500 का प्रॉफिट चल रहा है एक तरफा, और हमने कहाँ पर एंट्री करी है, हमने देखो बॉटम में पकड़ा हुआ है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि टॉप बॉटम पर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटे होंगे और आपको प्रॉफिट हमेशा बड़ा बड़ा मिलेगा। अब देखो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप है कहने के इधर के आसपास मैं लगा देता हूँ, ताकि मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं अपने पोजीशन काट करके निकल जाऊँगा। रीज़न इसका ये है, मैं प्रॉफिट काटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ऊपर हमारा डाउन साइड रिवर्सल लेवल एरिया भी है। अगर टारगेट की बात करूँ ऐसे तो मार्केट टारगेट 19730 का भी दे सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली आप टाइम देख सकते हो, अभी टाइम हो रहे हैं लगभग 3 बज रहा है और मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। हमने लेकिन अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके रखा हुआ, जैसे मैं आप देख सकते हो मेरे को 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है टोटल, जिसमें हमने 25 रुपये का प्रीमियम सेल किया था और 11 रुपये पर प्रॉफिट करने का ही बुक कर पाया हुआ है। एक बार मैं आप लोगों के साथ रिफ्रेश कर दूँगा ताकि आप लोग को और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1400 रुपये का समथिंग का प्रॉफिट मैंने बुक कर पाया हुआ है। अब थोड़ा सा चीज़ें को समझो, देखो हमने बॉटम पकड़ा था एकदम बॉटम पर कर लिया था और मार्केट सडनली ऊपर गया और हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। यहाँ पर जब मार्केट में रिजेक्शन आ रहा था डाउन साइड रिवर्सल लेवल एरिया से, तो हमने अपनी पोजीशन को बेहतर समझा और फाइनली जब मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देखो देखने लगा, मेरे को यहाँ पर लगभग मेरे को मैक्स प्रॉफिट समथिंग 1800-1900 के आसपास का दिखा रहा था आई थिंक, और जब मार्केट नीचे तरफ जाने लगा तो मैंने 1400 रुपये में पोजीशन अपनी बुक कर ली, ठीक है। क्यों बुक करी, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा डाउन साइड रिवर्सल लेवल एरिया था और हमने एक डिसेंट, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे तो मैंने काफ़ी बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया हुआ है आज के दिन पर, और मार्केट उसके बाद देख सकते हो कि मार्केट उसके बाद शार्प अप साइड का मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन चीज़ों को थोड़ा समझने का ट्राई करो, देखो मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का, ऑप्शन सेलर जितने भी होते हैं ना, उनका जो होता है प्रॉफिट वो फिक्स होता है। प्रॉफिट क्या होता है, वो फिक्स होता है। अगर मैंने 25 रुपीज़ का प्रीमियम सेल करके रखा था ना, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ये क्या होता है, ये हो जाता है जीरो। मतलब मेरे को लगभग आज के दिन पर मैक्स प्रॉफिट जो मेरा था वो 2500 रुपये का ही था, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट क्यों ना ऊपर चला जाए। आज भले ही मार्केट ऊपर चला गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमने लेकिन 1500 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। लगभग 70-80% का प्रॉफिट आज हम लोगों ने मैक्स प्रॉफिट का बुक कर लिया है, ठीक है। वही अगर जो 10 रुपये का प्रीमियम मैंने बच गया था उसको जीरो होने के लिए मुझे मार्केट में वेट करना पड़ता काफ़ी टाइम, उसके बाद मुझे कहने के प्रॉफिट वो मिलता पूरा। हालांकि अगर मैं रुका होता तो मेरे को जीरो का प्रॉफिट होता, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं आपको देखो
प्रैक्टिकली जब मार्केट में लर्न करने जाओगे ना, तो मार्केट भाई मेरे को बता करके इतना ऊपर नहीं जाएगा। देखो मेरे को बताएगा नहीं कि मैं इतना ऊपर जाने वाला हूँ। अगर किसी को बता दे तो मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करूँ, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर लेता। ठीक है, देखो फैक्ट ये है, भले सारी चीज़ें लोग ना बोलें लेकिन मैं सच्चाई ज़्यादा बोलना पसंद करता हूँ। देखो अभी भी मार्केट डाउन से रिवर्सल हुई वजह से कितना मिनट और कमवर्ट देना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में आपको कुछ भी फिक्स नहीं होता। हो सकता है कि आपको एंट्री लेते ही लॉस हो जाए, आप कैसे चले जाए। एक भरोसा होता है, एक बिलीव होता है, मैं एक एनालिसिस करता हूँ, मुझे कुछ तरीके पता है, मैं उस तरीकों को हर एक दिन मार्केट में काम करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेहतर है, उसके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसके वजह से मैं उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, आगे आगे अगर मार्केट जा रहा है, यहाँ पर मैंने बाई कर ली, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सिंपली हम पीछे पीछे मार्केट को फॉलो करते हुए जाएंगे और लास्ट में मार्केट लेंगे, स्टॉप हिट कराएंगे और मार्केट में सेफली हम एग्जिट भी करेंगे। ठीक है, अब मार्केट इतना ऊपर चला गया तो भी मुझे 2500 का प्रॉफिट हो सकता था, और मार्केट अगर यहीं पर एक्सपायर हो जाता तो भी मुझे 2500 का प्रॉफिट होता, या फिर मार्केट इस ग्रीन लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक्सपायर होता तो मुझे 2500 का प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं पता है कि भाई मार्केट 3 बजे तक मार्केट इस ग्रीन लाइन के ऊपर ही रहेगा या फिर कहाँ पर रहेगा। आप अगर मार्केट आपके फिर में जा रहा है तो आप प्रॉफिट बुक को भी बुक करना सीखो, समझो। ठीक है, और 1500 का प्रॉफिट देने के लिए हमने रिस्क कितना देखा, हमने रिस्क बहुत ज़्यादा कम लिया, आई थिंक 300 का समथिंग का, 300 या मैक्सिमम 400। ठीक है, तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते रहो। अब देखो, अब मेरे को ना कल मुझे कोई मौका नहीं दिया, कल मार्केट ने 2 बजे तक का टाइम लगा दिया, मुझे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद देखो आज क्या हुआ, आज मार्केट में सडनली एंट्री लेते ही सडनली मार्केट ने टारगेट दे दिया अपने, सडनली तुरंत टारगेट दे दिया, इसको क्या बोलोगे आप। तो मार्केट में आप लोगों को डिसिप्लिन को फॉलो करना है, आपको रेगुलर जो चीज़ें दिखती है, जो चीज़ें आपको मार्केट में हो रही, जो चीज़ें एक्चुअल में काम करिए उसको फॉलो करिए, और ये सारा का सारा मैंने MTP 2.0 में डिस्कस करके रखा हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।